क्या समय आ गया है अब बेटियों को न्याय मांगने के लिए अपना दुपट्टा सीएम के चरणों में देना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। सीएम मनोहर लाल खट्टर अपनी जनसंवाद करने पहुंचे थे। इस दौरान जिस महिला सरपंच ने उनके उस संवाद की तमाम व्यवस्थाएं की थी, उस महिला सरपंच ने अपनी बात रखी, अपनी मांग मांगी। तो हुआ क्या? क्या मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नहीं तुम्हें न्याय मिलेगा? नहीं, ये कहा कि राजनीति मत करो, इसे मंच से उतार दो। मंच से उतारने के बाद उसे थाने बिठाया गया। 2 घंटे थाने में बिठाने के बाद घर पर नजरबंद कर दिया गया। इतनी तगड़ी कार्यवाही, इतना तगड़ा न्याय सिर्फ भारत में ही मिल सकता है। सीएम मनोहर लाल खट्टर 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। इस दौरान तमाम लोगों ने अपनी मांग रखी। 2 जनसंवाद से ऐसी ही हरकतें, ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। 1 जनसंवाद के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी मांग रखी तो मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भैया, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसे बाहर निकालो और पीट दो। पिटवा दिया, चलिए कोई बात नहीं। महिला सरपंच ने जिसने व्यवस्थाएं की थी, कम से कम उसकी बात सुन लेते, वो भी तो आपसे मांग ही मांग रही थी। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार बहुत आगे निकल चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नैना झोरड़ के साथ जो हुआ वो सही था?